पूर्व अध्यक्ष श्री राधा किशन आहूजा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और ये पहले से ही अध्यक्ष चले आ रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। राधा किशन आहूजा सिंधु भवन पंचशील के पांचवी बार चुने गए अध्यक्ष। निर्विरोध हुए चुनाव में समस्त कार्यकारिणी को दोबारा से सौंपी गई जिम्मेदारी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से चुनाव नहीं कराए जा सके, इसके बाद त्रिवार्षिक चुनाव का आयोजन पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर में किया गया, जहां सभी सदस्यों और समाज के लोगों की राय से समस्त कार्यकारिणी को निर्विरोध वापस से कार्यभार सौंप दिया गया, जिसमें पूज्य सिंधी पंचायत सिंधु भवन पंचशील नगर अजमेर के त्रिवार्षिक चुनाव में राधा किशन आहूजा अध्यक्ष, मनोज मेघानी महासचिव, गोपाल दास लखयानी कोषाध्यक्ष चुने गए। चुनाव अधिकारी सुरेश सिंधी और प्रहलाद कर्मवाणी के अनुसार चुनाव में श्रीचंद मोतियानी, गोपीचंद पारवानी संरक्षक, राधा कृष्ण आहूजा अध्यक्ष, मनोज मेघानी महासचिव, गोपाल दास लखयानी कोषाध्यक्ष, मोहन चलानी, महेंद्र तीर्थानी उपाध्यक्ष, विजय आलम चंदानी, कमल मोतियानी, किशन थदानी सचिव, अजीत मूलानी प्रचार सचिव, मुकेश आहूजा संगठन सचिव, शोभराज विधानी, ललित चिबरानी सह कोषाध्यक्ष चुने गए। आज पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर अजमेर के चुनाव संपन्न हुए हैं। पूज्य पंचशील पंचायत के पूर्व अध्यक्ष श्री राधा किशन आहूजा को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और ये पहले से ही अध्यक्ष चले आ रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध चुनी गई है। उपाध्यक्ष पद पर श्री मोहन चेलानी और श्री महेंद्र तीर्थानी तथा महासचिव पद पर मनोज मेघानी को चुना गया है और इसके साथ साथ पूरी कार्यकारिणी जो पहले से चली आ रही है उसे ही रखा गया है और बड़ी खुशी की बात है कि सारे चुनाव निर्विरोध हुए हैं। मैं इन्हें सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये पहले की तरह अच्छा काम करते रहेंगे। आज जो चुनाव हैं पूर्व सिंधी पंचायत में, वैसे तो हर 3 साल के अंदर चुनाव होते हैं, लेकिन कोविड के कारण हमारे 2 साल दो बार कोविड आने के चक्कर में 2 साल चुनाव लेट हो गए और आज हमने चुनाव की घोषणा करी थी, जिसके अंदर हमने 2 दिन पहले फॉर्म भी मांगे गए थे, लेकिन किसी का फॉर्म नहीं आने के कारण तो आज चुनाव निर्विरोध सेम कार्यकारिणी जैसे पहले चलती आ रही थी उसी तरह से मुझे राधा कृष्ण आहूजा को निर्विरोध चुना गया है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास रख करके सिंधु भवन ने, सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे ऊपर विश्वास रख करके मुझे इस पद पर बिठाया है, मैं उस पर खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। राधा कृष्ण आहूजा मुझे अध्यक्ष पद का दिया है और महासचिव हमने मनोज मेघानी जी को बनाया है, उपाध्यक्ष महेंद्र तीथानी जी, उपाध्यक्ष मोहन चेलानी जी और संगठन सचिव हमारे थदानी साहब और सचिव पद के लिए हमारे कमल मोतियानी जी और बाकी कार्यकारिणी हमने जल्दी ही टच की बैठक करके जल्दी ही घोषणा करेंगे, जिसके महिला मंडल के भी हम उसका घोषणा करने के जा रहे हैं। विकास हमारा हरदम सेवा पे हम हरदम तैयार रहते हैं। जैसे कोविड के टाइम पे 2 साल जो कोविड चला उसके अंदर हमने करीबन 1200 किट बांटने का कार्य किया है और आपको ध्यान हो तो हमने एक डी फ्रिज की भी यहाँ पे व्यवस्था रखी है, जो रात को कभी भी 2 बजे भी कई फोन आते हैं कि साहब हमें दुख घटना हो गई है, 2 बजे हमें डी फ्रिज की ज़रूरत है, तो हमारे कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, हम 2 बजे भी उनके घर पे पहुँचाने का काम करते हैं। पूर्व सिंधी पंचायत पंचशील एक ऐसी संस्था है कि कभी भी किसी के लिए भी कोई भी आधी रात को भी काम पड़े तो उसके लिए हाजिर रहती है। हम बच्चियों को, गरीब परिवार के बच्चियों, उनके पढ़ाई की शिक्षा के बारे में हो, चाहे उनकी शादियों के बारे में हो, चाहे गरीब परिवार कोई भी हो, हम मदद करने के लिए आगे सिंधु भवन आगे रहता है, तत्पर रहता है। इसी कड़ी में सिंधु भवन महिला मंडल में श्रीमती कांता मोतियानी संरक्षक, माला टेवानी अध्यक्षा, कमला विधानी सचिव, पूजा तोलवानी उपाध्यक्ष चुने गए। महिला मंडल की शेष कार्यकारिणी का गठन अध्यक्षा और सचिव द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। समस्त कार्यकारिणी पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। आज जो चुनाव हुए, श्री सुरेश सिंधी जी और अपने प्रहलाद कर्मवाणी जी इनके सानिध्य में हुए हैं। पिछली जो हमारी रही हुई है अपने जो कार्यकारिणी, लगभग सब उसी में से तय हुए हैं। उसमें एक तो जो पोस्ट है, जैसे मैं मनोज मेघानी, मेरे को महासचिव का पोस्ट मिला और कमल मोतियानी जी इनको सचिव बनाया है, किशन थदानी जी को हमने नया जोड़ा है। इस तरह से आज पूरे चुनाव शांतिपूर्ण यहाँ किस तरीके से
करके सर एक बार आ गया आपका, जैसे पिछले कार्यकाल में सब सक्रिय होके सेवा कार्य वगैरह किया करते थे, जिसमें हमने पहले स्टार्टिंग एक स्पीकर लिया जो दिए की बैठक में हमारे को काम आता है, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का काम हुआ था और एक फ्रीजर का लिया था, और गाड़ी एक हमने जो यहाँ पे नहीं थी शव यात्रा उसके लिए प्रयत्न किए, जिसमें हमारे को सतगुरु की तरफ से उस राजा ठहरानी के सौजन्य से वो प्राप्त हुई वैशाली और पंचशील में ये कमी थी, तो ये भी हमारे प्रयासों से हुई है। और आगे जो जो है 2 साल का कार्यकारिणी का, उसमें कुछ ऐसा करने का मानस है कि जो हमारे यहाँ पे कुछ गरीब परिवार है उनको कुछ महीने के हिसाब से राशन वगैरह देने का काम होगा।